हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार। और आज के इस सेशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं CDS 1 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पार्ट वन रहेगा। और इसमें हम मैथ्स के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कवर करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगने वाला है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे साथ अनअकैडमी पर नहीं है तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको नॉट ओनली की प्लस क्लासेस ही मिलेंगी बट आप फ्री क्लासेस के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी की सारी फ्री क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और डेली हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप प्लस पे आते हैं तो आपको इस तरह से बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, इंडिविजुअल कोर्सेज मिल जाएंगे। करंटली हमारा ये जो OTA बैच है ये लॉन्च हो चुका है, तो ये कंप्लीट फैकल्टी है जो आपको OTA के लिए प्रिपेयर करवाएगी। और सिंगल सब्सक्रिप्शन सिस्टम है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप नॉट ओनली की OTA बैच, आप IIMA बैच देख सकते हैं, आप CAPF का ये वाला बैच लॉन्च हुआ है ये भी देख सकते हैं, आप सारे के सारे बैचेस जो हैं वो देख सकते हैं। तो काफी सारे बैचेस हैं। और वन मोर थिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, अगर आप जो ये हमारे पास यहाँ पे चैंपियनशिप है, CDSF का टेस्ट चैंपियनशिप है, इसमें अगर आप परफॉर्म करते हैं और आप टॉप 10 में आते हैं तो इससे आपको जो है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। और अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप इस कोड का यूज जरूर करिएगा, करियर स्टडी लाइव, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ अवेलेबल रहता है। 1 ईयर इज बेस्ट, जहां पे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यूज कोड करियर स्टडी लाइव एंड स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो आज हम करने वाले हैं CDS 1 2015 के पहले 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हमें कहा है, देखो काफी इजी शुरुआत हुई है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 raised to power 96 इज डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए 4 to the power कुछ भी हो, ठीक है, 4 to the power जो है वो आपके पास, अगर जैसे 4 to the power 1 4 है, 4 to the power 2 जो है वो आपके पास 16 बनेगा, 4 to the power 3 है 64 बनेगा। 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहता है, ठीक है। सो आई थिंक इसमें जो है वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके। और हाँ, मेक श्योर यहाँ पे समटाइम कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है, आपको ध्यान रखना है ये जो आपके पास वैल्यू है 96 जो है वो आपके पास हमेशा जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 96 इवन है इसलिए, अब समटाइम जो है वो ऑड पे फॉलो नहीं भी करेगा, तो आपको ध्यान रखना है इवन भी होना चाहिए। किसी किसी की यहाँ पे गलती भी हो जाती है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे ऑड पे भी फॉलो हो रहे हैं बट नॉट नेसेसरली, मतलब जरूरी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ 37 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 2+1 अपॉन में एक्स, ओके, सो इन दिस फॉर्मेट, सो एक्स वाई जेड अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि जेड की वैल्यू कितनी होगी। सो आपके पास ऑप्शन काफी सारे हैं, ये भी है कि डाटा इनसफिशियंट है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजिली सॉल्व हो सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली करना है कि इसको ब्रेक करिए। सबसे पहले इसको लिखिए इस फॉर्मेट में, इस 37 बाई 13 को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है जिसमें आपका होल एक्स वाई जेड का फॉर्मेट है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 2+11/13, तो आपको 2 से 2 कंपेयर हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 2+1/1/13/11 लिख सकते हैं, जिसको मैं यहां पे लिख सकता हूं 2+1/1/13 बाई 11 को क्या लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। तो अगर आप 13/11 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 1+2/11, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 1+2/11, तो ये बन जाएगा 13/11 अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहां पे मैंने 1 अपॉन में एक्स्ट्रा लगा दिया, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, यहां पे आपने 13/11 लिखा और इसको इस स्टेप में लिख दिया तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई यहां से। सो दैट इंप्लाई इसको हम लिख सकते हैं 2+1/11, दिस इज 1+2/11 है। अब इस 2/11 को मैं 1/11/2 लिख सकता हूं, हमें बस उस फॉर्मेट में आना है 1/11/2। हाउएवर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो मैं सारी चीजें लिखूंगा यहां पे सो दैट आपको डाउट ना रहे। 1+1/ अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है यहां पे 5 into, और मुझे 1, ओके, सो 5 into 1/2 में लिख सकते हैं, मतलब 5+1/2 तो ये बनेगा 2, मतलब 5+1/2 इज 11/2, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। एंड द लास्ट टर्म इज, अब जो लास्ट स्टेप हमारे पास रहेगा वो बनेगा 2+1/1+1/5+, ओके, सो ये क्या बनेगा 1/
अब 2 by 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लास्ट स्टेप में. वैसे लास्ट स्टेप में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, 5 + 1/2 आ गया, दैट्स इट. ये हमारे पास, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड. सो हमसे पूछा था व्हाट विल बी जेड, तो जेड जो है वो आपके पास 2 आ जाना है. तो ऐसे आपको ब्रेक करना है, स्टेप्स में ब्रेक करते जाना है और आपको आंसर जो है वो इजिली मिल जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज एक्स माइनस फाइव इज अ फैक्टर. सबसे इजी क्वेश्चन, अगर एक्स माइनस फाइव जो है वो फैक्टर है तो जो आपके पास एफ ऑफ माइनस फाइव, ठीक है, सॉरी एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव जब आप पुट करोगे तो एक्स ऑफ एफ ऑफ प्लस फाइव जब पुट करोगे तो 0 आना चाहिए. तो पुट करो इस इक्वेशन में, 5 का क्यूब माइनस 3 × 5 का स्क्वायर प्लस के इंटू फाइव एंड माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. सो दिस इज 125 माइनस 75 प्लस 5k माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 5k प्लस 75 85, सो दिस इज 40 एंड या और दिस इज इक्वल टू 0. सो आपके पास k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 8. सो दिस इज द आंसर. तो अगेन आई थिंक क्लियर होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था. नाउ द नेक्स्ट वन इज, हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि व्हाट इज 5 + √10/5 √5 − 2 √10 − 32 √50 = ये किसके बराबर वैल्यू आनी है, हमने ये बताना है. ओके सो देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं. पहले तो आप इसको ब्रेक करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट तो प्लस माइनस होना नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम सभी को इसी फॉर्मेट में लेकर आते हैं. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 + √10 है, सो इसको हम ऐसे रहने देते हैं अपॉन में. सो दिस इज 5 √5 − 20 को मैं 4 × 5 अगर लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 √5 बनेगा. सो दिस इज 2 × 2 = 4 √5. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 20 को ब्रेक करा है उस वजह से वो 2 √20 = 4 √5 बन जाएगा. माइनस 32 को मैं 16 × √2 लिखूंगा तो दिस इज 4 √2 एंड प्लस का 50 है, 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 × 2 यानी कि 5 √2 लिख सकता हूं. ठीक है, सो ये वैल्यू बन जाएगी. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 5 + √10 अपॉन में ये कितना बनेगा, 5 √5 एंड प्लस का 5 √2 है, तो ये कितना बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो 5 आपके पास कॉमन है, √5 − √2 है. ओके सो एक ये टर्म बन रही है और माइनस, ये सारे ऐड हो जाने, ये दोनों ऐड हो जाने आपके पास. 5 √5 − 4 √5 = √5 एंड 4 √2 + 5 √2 = √2. नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फिलहाल जो है अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहां से, कितनी वैल्यू कॉमन आ जाएगी यार, या फिर हम इसका रैशनलाइज भी कर सकते हैं. रैशनलाइज करेंगे तब भी आपको आंसर जो है वो इजिली मिल जाना है. तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या बेस्ट लगता है. मैं यहां से √5 कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि √5 कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा, √5 और अंदर बचेगा √2, क्योंकि √5 × √5 = 5 एंड √5 × √2 = √10. अपॉन में क्या है, अपॉन में है √5 + √2, ये वैल्यू कट हो रही है, सो दिस इज इक्वल टू √5 ओनली. तो ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ना था, बट हाँ, जो कैंडिडेट, अलग अलग तरह के कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग तरह का माइंडसेट होता है, जो कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन को बाद में करें, क्योंकि इनमें आपका टाइम लग सकता है. नेक्स्ट वन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, के द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 to 99 तक है, तो कितना आएगा. सो आपको पता है कि इस मल्टीप्लीकेशन में यूनिट डिजिट में 2 भी आ रहा है और कहीं ना कहीं 85 आएगा, तो यूनिट डिजिट में 5 भी आएगा. 2 × 5 = 10. जब भी 0 आ गया तो मल्टीप्लीकेशन में 0 × something is always 0. सबसे इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द स्क्वेयर रूट बताना है हमने इस पूरे का. ओके इस पूरे का हमने बताना है स्क्वेयर रूट, यानी कि स्क्वेयर रूट लगाया नहीं है बट आप लगा लो क्योंकि पूछा हुआ है, तो इसका स्क्वेयर रूट निकालना है हमने. तो चलिए निकाल लेते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं. ओके 0.75 का स्क्वेयर + 1 है. ओके चलिए, सो यहां से हम सिंपली अगर एलसीएम ले सकते हैं और तो यहां पे ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी. वैसे 1 − 0.75 है, सो दिस इज 0.25, ये कट हो जाना है हमारे पास. तो कितना बनेगा, 0.75 का स्क्वेयर / 0.25 एंड प्लस हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0.75 + 1 = 1,
सॉरी 1.75 एंड 0.75 का स्क्वायर भी है। चलिए ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं ओके, इसको सिंपली लिख लेते हैं, तो दिस इज 0.75 एंड ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 5 से दिस इज 25 एंड 7 8 से 56, 0.5625 प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो आई होप अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब जस्ट ऐड करना है, ये भी थोड़ा सा 0.75 का क्यूब है, स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू जो बचेगी ये पूरा ऐड करके आ जाना है आपके पास कितना, दिस इज 1/0.25। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा एंड इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो है, इसको अलग से सॉल्व करना है, वो वाली साइड जो है वो अलग से सॉल्व करनी है, सो फाइनल वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी, सो दिस इज, इसका अंडर रूट निकालना है, सो दिस इज 1/25×100 यानी कि कितना, 4 का रूट। ओके सो ये कितना बन जाएगा, दिस इज 10/5 यानी कि 2 आपका फाइनल आंसर आ जाना है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ा है क्योंकि आई थिंक वो आपको सॉल्व तो करना ही होगा, जिस तरह से मैं लिखूंगा वही आपने लिखना है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे 0.75 का क्यूब लिखा नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन बन जाएगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, सो 1421, 1423 एंड 1425 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो आप सिंपली ये समझो कि अगर मैं 1421 को डिवाइड करता हूं 12 से, तो कितना आएगा, 12 1 से 12 2 2 है, तो फिर 12 1 से 12 एंड देन हमारे पास बनेगा 101 एंड 96 से ओके 5 आएगा रिमाइंडर, यहां अगर 5 आएगा तो आगे 21 से 23 हुआ तो रिमाइंडर भी 7 होगा, 23 से 25 हुआ तो रिमाइंडर भी 9 हो जाएगा, दैट्स इट, डिवाइड बाय 12, सो यहां पे टोटल कितना बन जाएगा ये, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो दिस इज 35×9/12, 35 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 35 से आ जाना है आपके पास अगेन 11×9, सो 11×9/12, सो दिस इज 99/12, सो रिमाइंडर इज कितना, रिमाइंडर आ जाएगा, इट शुड बी 3। सो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है सिर्फ, आई होप आपको ये पता होगा कि इफ एक्स प्लस ए टू द पावर या कुछ भी है, एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स अगर आपके पास आ जाता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, ए अपॉन में एक्स आता है क्योंकि ये एक्स इसको कट कर जाता है, तो अगर इसको डिवाइड करके 5 आ रहा है तो पूरा नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, हमें कहा है कि ओके सो द इक्वेशन 1990x-173y इज इक्वल टू 11 हैज नो सॉल्यूशन इन इंटीजर फॉर एक्स एंड वाई। ओके कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा फॉर इन इंटीजर्स, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा एंड द इक्वेशन 3x-12y इज इक्वल टू 7 हैज नो सॉल्यूशन इन इंटीजर फॉर एक्स एंड वाई। ओके सो बोलने का बेसिकली यही मीनिंग है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो आपको नहीं मिलना है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, और हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेगी। तो सिंपली अगर आप क्या करते हैं, यहां पे हमें गिवन है 1990x-173y इज इक्वल टू 11, तो अगर हम क्या करते हैं यहां से, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ओके सो अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 11 से मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू मिल जाएगी। ओके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो आई थिंक कोई केस नहीं बनेगा। अब देखो इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखने में लीनियर इक्वेशन है और आई थिंक सभी को लगता होगा कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है, बट ये टफेस्ट बन जाते हैं क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल पे आ जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो सिंगल आपके पास लीनियर इक्वेशन है वो डबल वेरिएबल को सॉल्व नहीं करती है, तो हिट एंड ट्रायल ही बचा है हमारे पास। सो हम क्या कर सकते हैं, 1990x इज इक्वल टू 11 प्लस हमारे पास 173 y, ये आ जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 प्लस 173 y अपॉन में 1990। नाउ द पॉइंट इज, ये आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि अब इस इक्वेशन में हम हिट एंड ट्रायल पे ही जा सकते हैं। सो नाउ फिलहाल के लिए बिकॉज आई हैव सॉल्यूशन तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, अदरवाइज एग्जाम पे ये हिट एंड ट्रायल है, आपको बेटर रहता है कि आप इतने टाइम में कोई और क्वेश्चन कर लेते हो। तो इसमें क्या है, अगर आप देखो y को पुट करते हो 253
तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी 22। नाउ ये टोटली जो है वो हिडन ट्रायल पे है, इसमें कोई आप मेथड लगाओगे बात नहीं बननी है। ये तो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन इस चीज का पॉसिबल है। अब अगर आप हिडन ट्रायल ऐसे सोचते कि नहीं ऐसी कोई वैल्यू बनेगी नहीं जो इसको सेटिस्फाई करेगी और तुक्का लगाते, वो गलत हो जाना है। जबकि इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इन्होंने कहा है कि नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन 3x-12y इज इक्वल टू 7 हैज नो सॉल्यूशन इन इंटीजर, तो इसमें क्या नहीं है? सो 3x-12y इज इक्वल टू 7, सो अगेन 3x इज इक्वल टू 7+12y, एंड x कितना आएगा? 7+12 y अपॉन में 3 आ जाना है। सो नाउ यहां से आपको ये देखना है कि क्या ये सिचुएशन बन सकती है। तो अगेन अब इसमें आपको ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जहां पे अगर आप y लेट अगर आप 1 पुट करते हो तो 19 बनेगा, y अगर आप 2 पुट करते हो। अब इसमें थोड़ा इजी है क्योंकि आपको जस्ट 3 से डिवाइड करना है। तो अगर हम तीन चार केस देख लेंगे, वाई वन ट्राई करा 19 बना, वाई टू ट्राई करेंगे तो 24 से 7 31 बनेगा। सो वाई अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 46 बनेगा। सो एटलीस्ट अगर मैं चार पांच एग्जांपल देखूंगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि नहीं, अगर ये 1 पे नहीं बन रहा है, 2 पे नहीं बन रहा है, 3 पे, 4 पे नहीं बन रहा है, 5 पे नहीं बन रहा है, तो फिर जब 2 पे नहीं बन रहा है तो 6 पे भी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन 1990 चेक करना बहुत मुश्किल होगा। सो ये तो क्लियर हो गया इसमें तीन चार केस चेक करके कि हाँ इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट, सो ओनली बी इज आंसर। बट एग्जाम में आप इस क्वेश्चन का रिस्क ना लें तो ज्यादा बेटर होगा। ये आ गया नेक्स्ट, काफी इजी क्वेश्चन है। हमें कहा है कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 25, ही इंस्टेड मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 52 एंड गॉट द आंसर 324 मोर देन द करेक्ट आंसर। सो द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड वाज, तो नंबर जो है वो कौन सा मल्टीप्लाई होना था ये हमने बताना था। देखो हमें क्या कहा है, एक स्टूडेंट जो है क्या करता है किसी नंबर को, लेट नंबर जो है ना वो एक्स है, तो वो 25x निकाल देता है, वो 25 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ 52x। मतलब करना तो उसको 52x था बट उसने 25x कर दिया, तो जो डिफरेंस आ रहा है इस 52x-25x में जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज 324। सो यहां से x इंटू 52 माइनस अगर आप 25 करेंगे सो दिस इज 27 इज इक्वल टू 324। आई होप आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 324 अपॉन में 27 एंड दिस इज 12। ठीक है, सो आई होप ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए। सो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है एंड इन पे आप ज्यादा टाइम, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है उन पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए सो दैट कि आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ जल्दी जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हमें कहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पी क्यू इफ द नंबर 357P25Q इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। कि ऐसे कितने पॉसिबल पेयर होंगे पी और क्यू के जिसमें ये वाला जो नंबर है ये 3 और 5 से डिवाइड हो जाए। हमेशा ध्यान रखिए जब भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है जहां पे आपको परफेक्ट पता नहीं है कि इसमें आप ये करोगे, आप हिडन ट्रायल पे जा रहे हो, आप उसको सेकंड आर में ही करोगे, फर्स्ट आर में ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं। नाउ द पॉइंट इज 357P25Q जो है अगर ये 5 से डिवाइड होगा तो क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 या 5? क्यू मस्ट बी 0 और 5, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, तभी 5 से डिवाइड होगा। एंड इनका सम कितना बनेगा, 53725। सो दिस इज 22 प्लस पी प्लस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी हो रहा है, तो मतलब सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए, आइदर इट शुड बी 24, 22 से ऊपर ही हो सकता है ना, नीचे तो नहीं ले सकते, डिजिट नेगेटिव तो नहीं हो सकते, 27 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 33 हो सकता है, 36 हो सकता है, 39, ऐसे कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहां पे मैं पेयर्स लिख रहा हूं पी और क्यू के, और यहां पे मैं कुछ पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो पी प्लस क्यू अगर ये 22 प्लस पी प्लस क्यू अगर 24 हुआ तो पी प्लस क्यू आएगा 2। ठीक है, ओके। सो अगर ये पी प्लस क्यू जो है ये आ सकता है 5, ये आ सकता है 8, ये आ सकता है 11, ये आ सकता है 14, इससे ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं P प्लस क्यू जो है वो 17 रखूंगा तो इफ क्यू जो है वो 5 होगा तो P जो है वो होना चाहिए कितना, 13 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, लेकिन 12 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 12 प्लस 5, अगर 12 P है तो P तो डिजिट नहीं रहा, वो तो नंबर बन गया,
तो दैट्स वाई ये केस मैं आगे नहीं लूंगा। मतलब ये जो वैल्यूज पॉसिबल है उनमें से मैंने ये कुछ केस देख लिए। अब अगेन आप समझ रहे होंगे कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करिए कि किस टाइम पे सॉल्व कर रहे हो। सो पी प्लस क्यू अगर टू है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यू की वैल्यू तो जीरो हो सकती है, तो दिस इज टू प्लस जीरो इज टू, यानी कि टू एंड जीरो एक पेयर हमें मिल गया। फाइव कैसे बन सकता है, फाइव प्लस जीरो या जीरो प्लस फाइव, दो केस हमें यहां से मिल गए, तो फाइव जीरो एंड जीरो फाइव। एट कैसे बन सकता है, एट प्लस जीरो एंड थ्री प्लस फाइव, एंड और हमारे पास क्या हो सकता है, दैट्स इट। मतलब ये दो केस हो सकते हैं, दिस इज एट जीरो थ्री फाइव। इलेवन कैसे बन सकता है, इलेवन बन सकता है हमारे पास सिक्स प्लस फाइव ऑनली, बाकी तो कोई केस पॉसिबल नहीं होगा अगर हम इलेवन इसमें कुछ और देखें, सो दिस इज सिक्स प्लस फाइव, सिक्स एंड फाइव ये केस हो जाएगा। फोर्टीन कैसे बन सकता है, नाइन प्लस फाइव, तो एक नाइन फाइव भी केस हो जाएगा। तो टोटल कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन केस जो है वो पॉसिबल रहेंगे अगर हमने ये क्वेश्चन को ट्राई करना है। सो आई होप फिलहाल आपको ये क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे लगे होंगे। तो ये सीरीज हमारी कॉन्टिन्यू है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो सीरीज को लाइक जरूर करिए, और मिलते हैं फिलहाल आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।